माता ने अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार। पहलानी तहसील जसपुरा थाना क्षेत्र के बरेठा गांव का मामला सामने आया, जिसमें पिता नरेश निषाद अपनी बड़ी बेटी हिरल निषाद, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, लगातार एक वर्ष से अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा। विरोध करने पर पत्नी किरण मारता पीटता रहा और मुंह बंद रखने की लगातार धमकी देता रहा। नरेश निषाद अपनी पत्नी समेत 6 बच्चों के साथ सूरत के एक लक्ष्मी विला 1/162 घर में एक वर्ष से रह रहा था। जब पत्नी उसकी आदतों से तंग आ गई, वहीं अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल बैठा गई, लेकिन नरेश की आवाज में उसे सूरत में रुकने न दिया गया, जिससे वह 10 दिन के बाद अपने माँ अपने गांव बरेठा पहुंचा, फिर अपनी बेटी हिरल के साथ दुष्कर्म करने लगा, जिससे घबराई हुई पत्नी उसकी हवस के तंग आकर उसने तुरंत 100 नंबर पर फोन लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर भाग निकला, जिसकी सूचना देने पर वही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक रुकेंगी? मेरा मामला यह है कि मेरे साथ में कुछ नहीं बोलता है, मेरी बच्ची को मारता पीटता है, मेरे को मार के सुला देता है, मेरी बच्ची साथ बलात्कार केस कर रहा है, और जब मैं बोलती हूँ तो मेरे सर पे बाटल दारू की कोड़ता है, मेरी बच्ची को सुला लेता है, बार बार भी मारता है और सारे बच्चों से मेरे को मरवाता है, अपना भी मारता है, बच्चे नहीं मारते तो बच्चे से मेरे को मरवाता है। क्या नाम है उस व्यक्ति का और कहाँ का रहने वाला मामला है? लड़का है, नरेश नाम है, डिपडेरा बरेठा का रहने वाला है। ये घटना कहाँ कहाँ की? ये सूरत से लगा कि यहाँ लगती है, डिपडेरा बरेठा लगती है, कल की लग घटना हुई। क्या हुआ? आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी तो ये भाग ही आया। अच्छा, ये पकड़ में नहीं आया, पता नहीं क्या कहाँ छिप गया। बांदा से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट।